इस विशेष बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं अखिलेश आनंद हूं और मेरे साथ पिंकी खंडेलवाल जुड़ गई हैं। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों के समर्थन में प्रदर्शन किया। हाल ही में कश्मीर में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस प्रदर्शन में शामिल दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कश्मीरियों पर सिर्फ राजनीति कर रही है, सरकार लोगों को सुरक्षा दे पाने में नाकाम है। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आज कानपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों का पुलिस कमिश्नर ने दौरा किया। शहर के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम के बीच आज कानपुर के बाजार खोले गए। यूपी के हापुड़ में फैक्ट्री में हुए धमाके की वजह से 13 लोगों की जान चली गई। इस केस में नया खुलासा यह हुआ है कि फैक्ट्री में पटाखों का कारोबार होता था, जबकि इसके केमिकल फैक्ट्री होने का दावा किया जा रहा था। कल रात हुए धमाके में 8 फीट की दीवार ढह गई। फैक्ट्री में कुछ मजदूर रात में रुकते भी थे। आबू धाबी में आयोजित आइफा अवार्ड्स में फिल्म शेरशाह ने कई अवार्ड्स बटोरे। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और संगीत समेत मिले फिल्म को कई अवार्ड। आइफा में विक्की कौशल को फिल्म सरदार उधम सिंह के लिए बेस्ट एक्टर और फिल्म मिमी के लिए कृति सनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।